आप सोचिए कि मेड इन इंडिया वेपन्स यानी कि जो हथियार भारत खुद ही मैन्युफैक्चर करता है उसके ऊपर पाकिस्तान या फिर चाइना जैसे पावरफुल देश ये सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन अजरबैजान जैसा एक मामूली सा देश, उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने भारत के हथियारों की क्वालिटी के ऊपर टिप्पणी की है। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ईरान के ठीक ऊपर और टर्की की राइट साइड के ऊपर आर्मेनिया और अजरबैजान सिचुएटेड है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में तो आपको पता होगा, नागानो कराबाख की डिस्प्यूटेड लैंड के पीछे ये दोनों ही देश आपस में लड़ते रहते हैं और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने कई सारे स्मॉल स्केल वॉर भी देखे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, सभी प्रमुख मुस्लिम देश अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 96% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि 93% क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ आर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है। अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में भारत ने आर्मेनिया को कई सारे हथियार और अमुनिशन बेचे हैं, जिनमें पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स और 155mm 39 कैलिबर मार्ग होविट्जर्स सबसे टॉप के ऊपर है। ये जितने भी हथियार भारत ने आर्मेनिया को बेचे हैं, ये सारे 100% मेड इन इंडिया हैं। काफी रिसर्च के बाद इनको हमने भारत में खुद ही डेवलप किया है, यानी किसी भी देश से इनकी टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं की गई है, और इसी चीज को लेकर अजरबैजान ने भारत के हथियारों के ऊपर कमेंट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल अजरबैजान ने कहा है कि भारत आज की डेट में आर्मेनिया को जो भी हथियार सप्लाई कर रहा है, अजरबैजान उनको बहुत ही आसानी से नष्ट करने की टेक्निक जानता है, और युद्ध के दौरान उनकी सेना भारत के हथियारों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देगी। अजरबैजान अथॉरिटीज का कहना है कि आर्मेनिया ने भारत से जितने भी हथियार परचेज किए हैं, उन्होंने उन सब हथियारों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्ड नॉलेज हासिल कर ली है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यानी कि कितनी रेंज के ऊपर कितने समय में हथियार को किस एंगल के ऊपर रखने से डिस्टेंस कितना कवर होगा, या फिर किसी भी मिसाइल या हथियार की फायरिंग रेंज क्या होती है, ये सारी चीजें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आती है। और अजरबैजान का कहना है कि भारत के हथियारों की ये सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उनके पास आ गई हैं। इसके साथ ही अजरबैजान ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि भारत जो हथियार आर्मेनिया को बेच रहा है, उनको तो भारत खुद भी इस्तेमाल नहीं करता है, भारतीय सेना ने उनकी टेस्टिंग भी नहीं की है, जो दर्शाता है कि भारत अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए आर्मेनिया को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आगे अजरबैजान की अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि आर्मेनिया के पास मेड इन इंडिया वेपन्स आ जाने से दोनों देशों के बीच बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, यानी अजरबैजान आज भी उतना ही ताकतवर है और भारत के हथियारों को न्यूट्रलाइज करने में अजरबैजान को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही अजरबैजान की अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि भारत के हथियारों को जब वो नष्ट करेंगे, इससे भारत की मिलिट्री इंडस्ट्री की रेपुटेशन को भी झटका लगेगा, यानी एक तरह से दुनिया में मेड इन इंडिया वेपन्स की बदनामी होगी। आप सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर ऐसी स्टेटमेंट्स कभी नहीं आती हैं। ये तो फिर अजरबैजान है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच कोई भी लिंक्स नहीं है, अजरबैजान के साथ भी हमारे बहुत ही अच्छे संबंध है। आर्मेनिया से ज्यादा हमारा अजरबैजान के साथ बायलेटरल ट्रेड होता है, लेकिन भारत का झुकाव आर्मेनिया की तरफ ज्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों से अजरबैजान कश्मीर और पीओके के मसले में लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जबकि आर्मेनिया इन दोनों ही मसलों में भारत का साथ देता है। और जहां तक बात है भारत के हथियारों की, तो अजरबैजान मेड इन इंडिया वेपन से इतना डर गया है कि उसने रिसेंटली पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स की 8 यूनिट्स परचेज की हैं, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को $1.6 बिलियन पे किए। इसमें JF-17 एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रेनिंग और एमिनेशन भी इंक्लूडेड है। अजरबैजान का मानना है कि मेड इन इंडिया वेपन्स को टैकल करने के लिए JF-17 फाइटर जेट्स उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी, जिसके लिए उसने पाकिस्तान की मदद ली है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि अजरबैजान के ऊपर भारत सरकार क्या एक्शन ले सकती है और क्या एक्शन हमें लेना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।